नमस्कार दोस्तों, टारगेट टेक्नीशियन यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि थ्री फेस मोटर का लोड कैलकुलेशन कैसे करेंगे। कि दोस्तों हमारा जैसे मान लीजिए कोई जैसे हमारा 10 HP का जो मोटर है वो कितने एम्पीयर करंट ले रही है, दोस्तों कैसे निकालेंगे दोस्तों, वो दोस्तों आज सीखते हैं। तो दोस्तों उससे पहले दोस्तों आप अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों इसे लाइक भी कर दीजिए, और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें जिससे दोस्तों मेरे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए से शुरू करते हैं। दोस्तों क्या होता है दोस्तों, अगर दोस्तों किसी मोटर का थ्री फेस मोटर का अगर आपको लोड निकालना है दोस्तों, आपको दोस्तों तीन चीज़ें पता होना चाहिए। दोस्तों पहला दोस्तों HP वो कितने HP की है, और दोस्तों वोल्टेज, और दोस्तों पावर फैक्टर, तो ये पता होना चाहिए। दोस्तों मोटर दोस्तों जो हमारा है वो दोस्तों 10 HP का है, और दोस्तों वोल्टेज 415, और दोस्तों पावर फैक्टर दोस्तों 0.8। दोस्तों ये दोस्तों आपको मोटर के नेम प्लेट पे आपको मतलब मिल जाएगा कि पावर फैक्टर कितना है, या फिर दोस्तों आपको cos φ आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगर ये भी नहीं मिलता दोस्तों आप इतना 0.8 आप इसको मान सकते हैं। तो दोस्तों इसका दोस्तों एक फार्मूला होता है, तो इसका एक फार्मूला होता है I बराबर किलोवाट गुणा 1000 बटा अंडर रूट तीन गुणा वोल्ट गुणा पावर फैक्टर। अब दोस्तों मैं इन सारी चीज़ों को इसी में रख दूंगा। तो दोस्तों अब दोस्तों ये दोस्तों किलोवाट में है दोस्तों, उसको ये दोस्तों आपको HP से किलोवाट में दोस्तों चेंज करना है। बस बहुत सिंपल है। आप दोस्तों क्या करेंगे कि आप मान लीजिए दोस्तों आपका 10 HP का मोटर है, तो दोस्तों आप इसका भाग 1.341 में आप अगर इसका भाग कर देंगे तो दोस्तों आपका किलोवाट निकल जाएगा। तो दोस्तों ये मेरा दोस्तों किलोवाट निकल जाएगा 7.4 किलोवाट। ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों मैं इन सबको दोस्तों इन्हीं फार्मूले के साथ रख दूंगा। तो हमको I निकालना है, I बराबर 7.4 गुणा 1000 बटा √3 गुणा वोल्ट गुणा पावर फैक्टर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्या है कि हमको I दोस्तों निकालना है। दोस्तों 7.4 गुणा 1000 बटा दोस्तों √3 दोस्तों वैल्यू जो होगी वो होगी 1.732। और दोस्तों जो हमारा वोल्टेज है 415 वोल्ट है, और दोस्तों जो हमारा पावर फैक्टर है वो 0.8 है। अब दोस्तों मैं इनको सॉल्व कर लूँगा। दोस्तों अगर मैं अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि 1000 का दोस्तों इसमें क्यों हम गुणा कर रहे हैं, तो दोस्तों क्या है किलोवाट से वाट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 का गुणा करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं इसका गुणा दोस्तों कर दे रहा हूँ। दोस्तों ये हमारा आ जाएगा 7400। ठीक है दोस्तों, अब मैं दोस्तों इनको भी दोस्तों हल कर लेता हूँ। दोस्तों ये हमारा आ जाएगा 575। अब दोस्तों क्या होगा दोस्तों कि √3 दोस्तों जो दोस्तों वैल्यू होती है वो दोस्तों होती है 1.732। अब अगर कोई थ्री फेस का दोस्तों अगर हमारा कुछ भी है दोस्तों, मोटर है कुछ भी है, कूलर है दोस्तों कुछ भी है, तो आपको 1.732 का गुणा इसमें दोस्तों करना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। दोस्तों ये आ गया 7.4 गुणा 1000, तो हमारा 7400 आ गया, और इसका मैंने सॉल्व कर लिया तो 575 आ गया। अब मैं अगर इसका भाग कर दूंगा इसमें तो दोस्तों मेरा ये आ जाएगा 12.8 एम्पियर, यानी कि करंट। दोस्तों मैं आपको इसी बीच में दोस्तों मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूँ कि आप इसमें कितने एम्पियर की MCB या MPCB या कुछ भी दोस्तों आप लगाएंगे, कोई भी आप अगर ब्रेकर लगाएंगे या उसको थ्रू ऑपरेट कराएंगे तो आप वो कितने एम्पियर के लगाएंगे, तो दोस्तों वो भी दोस्तों बहुत सिंपल है। दोस्तों जो हमारा दोस्तों इलेक्ट्रिकल नियम के अनुसार दोस्तों जो हमारा हम इसमें MCB दोस्तों लगाते हैं वो 25% ऊपर का होना चाहिए,
ठीक है दोस्तों, ऊपर का होना चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं इसमें 12.8 में अगर मैं गुणा गुणा करूँगा 1.25, दोस्तों ये आ जाएगा मेरा 16 एम्पियर। दोस्तों ये हमारा दोस्तों हमको 16 एम्पियर की एमसीबी लगाना है जब हमारा 10 HP का मोटर हो। 10 HP का दोस्तों जब हमारा मोटर होगा, 10 HP दोस्तों मोटर या फिर 7.4 किलोवाट का मोटर होगा तो हम इसमें 16 एम्पियर का एमसीबी हमारा सही रहेगा। दोस्तों आप उससे कम भी दोस्तों दोस्तों 16 से दोस्तों कम किया एमसीबी दोस्तों 15 की दोस्तों आएगी नहीं, दोस्तों वो 16 की होती है। दोस्तों आप 16 के एम्पियर की एमसीबी दोस्तों लगा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको दोस्तों वीडियो समझ में नहीं आया, दोस्तों कुछ भी डाउट हुआ हो तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया, तो दोस्तों मैं उसको आगे क्लियर करने की दोस्तों कोशिश करूँगा। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिए और दोस्तों कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों वीडियो को दोस्तों लाइक दोस्तों ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक दोस्तों बने रहिए इस टारगेट टेक्निशियन चैनल के साथ। दोस्तों आपका दिन शुभ हो, नमस्कार दोस्तों।